मुहिब होना मुहिब नहीं है, मुहिब होना कमाल नहीं है। क्या मैं मुहिब पे एक्टिवेट हूं अब है, ये कमाल नहीं आपका, कमाल ये है कि एक्टिवेट कहने की ये हमारे महबूब है। महबूब एक्टिवेट होना मुहिब है ना, मुहिब एक्टिवेट होना मुहिब हर कोई है, जो जरदा भी मुहिब है भाई। अपने आप को कभी इब्न मुजब के मकाम पर रखे, सोचे क्या इब्न मुजब से आगे हूं। इब्न मुजब सहाबी आमिरुल मोमिनीन, मुदाफी आमिरुल मोमिनीन था, शागिर्द आमिरुल मोमिनीन था, चाहने वाले थे वो, लेकिन क्या हुआ वो कातिल बना, किस वजह से बना? क्या आपकी भी गारंटी है? जब इब्न मुजब गारंटी नहीं है वो गुमराह हो सकता है, हम क्या चीज है? किसी इंसान की कभी कोई गारंटी नहीं होती। नंबर मैं तो गुमराह हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता? शैतान हो सकता है। मेहराज शब मेहराज पैगंबर इस्लाम मेहराज पे गए, सुबह उसी जब वापस आए सुबह शैतान हाजिर हुआ पैगंबर इस्लाम के अंदर में, शैतान हाजिर हुआ कि ए अल्लाह के रसूल चौथे आसमान पर बैतुल महमूद के बाई तरफ उल्टा मेंबर जला हुआ मेंबर टूटा हुआ मेंबर देखा आपने? कहा देखा। कहा पता है किसका मेंबर है? कहा नहीं मालूम। किसका मेंबर? कहा मेरा मेंबर था ये, चौथे आसमान पर बैतुल महमूद पे बाई तरफ मेरा मेंबर था, फरिश्ते मेरे दर्स में आ जाते थे, मैं फरिश्तों को खुदावंद मुताल की इताअत के बारे में बताता था, जब मेरी तस्बीह हाथ से गिर जाती थी कई हजार फरिश्ते उठकर आते थे, मेरी तस्बीह उठाते थे और मेरे हाथ में दे देते थे, खुदा के इरादे का किसी को नहीं मालूम। उस वक्त मैंने ख्याल किया था कि खुदा ने शायद मुझसे बेहतर कोई मखलूक पैदा की ही नहीं है, मैंने उस वक्त सोचा था कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं है। लेकिन अब मैं अब क्या हुआ, रुख बदला, हालात बदले, क्या हुआ, दरगाह इलाही मुझसे ज्यादा मर्दूद कोई नहीं है। शैतान की गारंटी आमिरुल मोमिनीन ने फरमाया कि 6000 साल इबादत की और नहीं मालूम कि ये 6000 साल हमारे दुनियावी साल या उखरवी, वो उखरवी साल जो कि एक दिन 50,000 सालों 5 सालों के बराबर है, 50 सालों के बराबर है एक साल मसलन, नहीं मालूम। तो क्या किया उसने? तकब्बुर किया था, कुछ नहीं किया, एक सजदे से इनकार किया, एक सजदे से इनकार किया था। खुदावंद मुताल को 6000 सालों की इबादत नहीं चाहिए, फरमान बरदारी चाहिए। जब खुदावंद मुताल के उठो बस उठे, जब कहे मरो तो मरे, जब कहे जिए तो जिए, खुदावंद मुताल को ऐसा बनना चाहिए। शैतान ने कहा कि ए मोहम्मद ऐसा न हो कि कभी मकरूर हो जाए। पैगंबर को शैतान दर्श दे रहा है कि आप मकरूर ना होना, मैं भी मकरूर हो गया था। हजरत यहया से शैतान ने मुलाकात की और कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसने 4000 साल सजदे में गुजारा है, लेकिन क्या हुआ कि मैं मर्दूद हुआ। तो फिर हम अपनी अपनी इबादतों को देखें, क्या हमने शैतान की तरह इबादत की है? इब्न मुजम की तरह नमाज़ पढ़ते हैं? इब्न मुजम तो बाद में बनाना, पहले तो सहाबी था, यही इब्न मुजम था ना जिसने कहा आप अमौला मेरा हाथ काट इससे पहले कि मैं कत्ल करूं, यही था। लेकिन कादी शुरय से ज्यादा हम इल्म रखते हैं, यही कादी शुरय जिसके लिए जब यजीद ने पैगाम भेजा कत्ल हुसैन का फतवा दे, इसने अपना दावा उठाकर सर पर मारा कि ये क्या मांग रहे मुझसे कि मैं हुसैन के कत्ल का फतवा दूं। लेकिन रात को जो पैसे ले लिए, सुबह फतवा दे दिया कि हुसैन बागी है इसे कत्ल कर दो। जब एक कादी शुरय गुमराह हो सकता है, आपकी क्या गारंटी है? हमारी क्या गारंटी है? किसी की कोई गारंटी नहीं होती, गारंटी सिर्फ खुदा के पास, सिर्फ दुआ हमारे पास है। मुझे अपने नफ्स के साथ वागुजार न करे, कभी मेरे ऊपर से अपनी रहमत का हाथ न उठाना, कभी मेरी निगहदारी से हाथ न उठाना, कभी मुझे अपने साथ न छोड़ना, वरना मैं गुमराह हो जाऊंगा। बड़े बड़े लोग गुमराह हो जाते हैं। मुहिम यह है, मुहिम ये चीजें होती हैं।
لہذا کبھی ہم شیعہ ہونے پہ تکبر نہ کریں, تکبر نہ کریں اور یہ سوچیں کہ کیا واقعا اہل بیت کے لیے قابل قبول شیعہ ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہے اب بھی کوشش کریں کہ وقت ہے موت سے پہلا بننا چاہیں. پیغمبر اسلام کی حدیث میں آئے کہ جو ہے پیغمبر اسلام کو بتایا کہ ابو ذر سے فرمایا کہ جس کے لیے نظر برابر تکبر ہے, تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر و بدتر سمجھے, جس کے بارے میں علم نہ ہو اسے بہتر سمجھے کہ میں تو بہتر ہوں. جب اپنے آپ کو بہتر و بدتر سمجھے تکبر ہے, دوسروں کو کمتر حقیر پس ذلیل سمجھنا شروع کریے تکبر ہے. کہ میں شیطان نے کہا من مبوئی مستمن شوئی میں نہ کہنا میرے طرح ہو جاؤ گے, شیطان نے بھی میں کیا تھا تو میں نہ کریں. یہ چالا خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر شیعہ بنیں.